हरे कृष्णा। हाँ कहते कहते ये जो जो ट्रांसलेशन कर रहे हो सुदेश। हाँ हरे कहते ये जो सर्वर है, ये सर्वर का नाम इधर बैठ, इसका नाम आप वही बोलो, ये सर्वर का नाम इंद्रदुम्न सर्वर है, हाँ? और इस तरफ में इंद्रदुम्न राजा, इस तरफ में गुंडीचा मंदिर, गुंडीचा देवी है। कहते ये इंद्रदुम्न महाराज नहीं, कहते इन्होंने ही जो जगन्नाथ मंदिर जी को उन्होंने बनाया, इंद्रदुम्न महाराज ने बनाया था, इसलिए उनका नाम से ये सरोवर का नाम इंद्रदुम्न सरोवर। और उनका पत्नी का नाम थी गुंडीचा, है पत्नी का नाम थी गुंडीचा। इसलिए कहते श्री इंद्रदुम्न महाराज ने किस समय कुछ साधु लोग आए भ्रमण करते करते जगन्नाथपुरी में, और राजा रानी दोनों भक्ति भजन करने वाले, कहीं सत्संग हो हरि कथा हो, पहले जितने जितने राजाओं का नाम अक्सर करके सुनते हैं ना, वो प्राय करके राजा सबके सब धार्मिक राजा, सबके सब धर्म संपन्न, खुद धर्म करते थे और दूसरों को भी धर्म को विषय में दूसरों को भी समझाया करते थे धर्म को विषय पर। इसलिए अभी उन्होंने कथा सुनाई, हमने कहाँ कहाँ कौन सा तीर्थ में गए और क्या किया, हमने दर्शन किया, सारी कथा सुनाई। लेकिन सुनाते सुनाते उन्होंने बड़ी सुंदर कथा सुनाए, नील माधव का कथा सुनाए। बोले सब जगह में तो हमने गए, लेकिन ए हरि बोल हरे कृष्णा, उसका पागल। इसलिए उन्होंने सब जगह इस कथा उन्होंने सुनाए, लेकिन उन्होंने सुनाए हमने नील माधव एक स्थान दर्शन किया, जो सबसे सुंदर हमें नील माधव लगा, बड़ी प्यारा ठाकुर, जैसे गिरिराज गोवर्धन है, जैसे पास में जमुना नदी, जैसे पास में जमुना नदी जहाँ पर बह रही है, बड़ा सुंदर कटहल जामुन और नारियल का सुंदर सुंदर वृक्ष है, और जिनकी चरण से ये गंगा देवी स्वयं, जिनकी चरण से गंगा प्रकट हुई है, इसलिए वहाँ पर जो जाते हैं ना, वहाँ से चरणामृत देते हैं, उनके शरीर चरण से वो गंगा निकली है, वो चरणामृत सबको उन्होंने प्रदान करते हैं। इतने में रात में जब कथा सुन करके सोने के लिए आ गए, उनकी पत्नी जो गुंडीचा थी बड़ी भक्ति में थी, तो उनने पति को बोले अपने सुना, वो बता रहे थे कहीं एक सुंदर नील माधव का दर्शन किया, बड़ा सुंदर जाग गए थे, कल सवेरे होते ही ना हम उनसे पूछेंगे वो नील माधव कहाँ कैसे हम दर्शन करने के लिए जाएंगे। इतने में देखो एक स्त्री हट होता है। स्त्री हट मतलब क्या, अगर पत्नी अगर पति को पीछे पड़ जाए ना, जब तक वो काम नहीं कराएगी आपको चैन में रहने नहीं देगी। ये साड़ी देना तो साड़ी लाना, ये गहना लाना तो गहना के देना, नहीं तो चैन में, नहीं तो रोटी फेंक कर खिलाएगी, मुंह टेढ़ी करके बात करेगी। लेकिन कभी कभी वो जो चीज़ है ना संसार के लिए तो गड़बड़ी, लेकिन अगर भक्ति के लिए लगाओ फिर वो भगवत प्राप्ति का कारण बन जाती है। अगर वही हट अगर भगवान की भजन में अगर हट लगा गया, नहीं चलो जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए जाएंगे, चलो नवद्वीप दर्शन करने के लिए जाएंगे, चलो वृंदावन धाम परिक्रमा करेंगे, बस हो गया, नहीं आज ठाकुर का ऐसी सेवा करेंगे, ऐसे पूजा करेंगे, ठाकुर के लिए एक कापड़ ले आओ, ठाकुर जी के लिए आज ऐसे अभिषेक करेंगे, ठाकुर जी के लिए संतों को घर में बुलाएंगे, अगर ये हट हो गया तो बस हो गया, ये तो भगवत भक्ति का भगवत चरण तक पहुंचा देती है। इसलिए काली नाग ऊपर में कृष्ण क्यों कृपा की, उनकी पत्नी की वजह से, केवल पत्नी की वजह से उन्होंने कृपा करती है, केवल कालियों के ऊपर पत्नी की वजह से उद्धार होता है। इसलिए पत्नी ऐसे हो हट तो करे, लेकिन अच्छी हट करे, भगवान की भक्ति की हट करे, हम भजन करेंगे भक्ति करेंगे ये हट होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने बोले कल हम नील माधव की बात पूछेंगे, वो ठाकुर जी कहाँ है, सवेरे जब आए और अमते जोगी बहते पानी, रात में तो कथा सुनाए, लेकिन उन्होंने बस चले गए। जब चले गए उनकी मन में और ज़्यादा उत्कंठा हो गई, हैं वो गए कहाँ, ठाकुर का दर्शन नहीं हुआ, गए कहाँ, इतने में व्याकुल हो पड़े। खैर उन्होंने राजा ने चार दिशा में उन्होंने भेजा, उन्होंने चार दिशा में चार तरफ में उन्होंने भेज करके उसने श्री विद्यापति को दक्षिण दिशा में भेजे, लगता है इसी तरफ में ठाकुर जी इसी तरफ में हो, इस तरफ में, ये कथा आप लोगों से पता है, ये कथा मंदिर में सुन लेंगे। इसलिए इंद्रदुम्न महाराज जिन्होंने ये जगन्नाथ मंदिर को स्थापन किया, जगन्नाथ बलदेव प्रभु को स्थापन किया, इसलिए उनका नाम पर ये जो सरोवर का नाम है इंद्रदुम्न सरोवर, यहीं पर उन्होंने कितने लाख गैया,
कितने लाख गैया उन्होंने यहीं से दान दिया, इतने गैया उन्होंने दान दिया उनका खूर से, उनकी पेशाब से और उनकी जो गोबर से ये कुंड बन गया। इतने इतने उन्होंने गैया गैया उसने दान दिया। और महाप्रभु जब आते थे पानी कहाँ से लेकर गुंडीचा मंदिर साफ करते थे, वहाँ पर तो पानी नहीं था, यहीं से पानी भर करके, यहीं से पानी भर करके, बड़े बड़े लोग हमारे जैसे नाते नहीं, बड़े बड़े कलश में पानी भर करके यहीं से करें, एक दूसरे को दूसरे धीरे को यहीं से दे दे करके गुंडीचा मंदिर तक ले जाते थे और गुंडीचा मंदिर से साफ करते थे। और उसको बाद में जब गुंडीचा मंदिर धुलाई हो गया फिर महाप्रभु इसी सरोवर में अपना भक्तों को साथ में स्नान करते थे, इस सरोवर में पानी स्नान करते थे, एक दूसरे को फिर जल मारते थे। कभी कभी महाप्रभु और अद्वैत आचार्य अंदर में नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के अंदर में यहाँ पर जल पीड़ा करते थे और एक दूसरे के ऊपर में पानी लेकर मारते थे। और कभी कभी अद्वैत आचार्य कौन है यदि ये सदा सी भी अद्वैत आचार्य कभी कभी ये सख्यात अनंत रूप धारण कर देते थे और महाप्रभु के ऊपर में शयन करते थे। इसलिए इसी नदी में भक्त लोग ने मिलकर के जल जल पीड़ा उसमें जल पीड़ा किया है। इसलिए उनका नाम पर फिर उन्होंने जगन्नाथ मंदिर तो बनाया, इसलिए सारा दुनिया उसको पता चला किसने बनाया, नाम बताओ था इंद्रदुम्न महाराज ने। इंद्रदुम्न महाराज सोच रहे हैं भैया जगन्नाथ जी प्रकट जो पत्नी बजे गई, पत्नी ने मेरे पीछे पड़ गई, ये ठाकुर कहाँ पर उनको ढूंढो, हुई तो मेरी पत्नी की वजह से लेकिन नाम हो गया मेरा हाँ, लेकिन किसी वजह से। इसलिए उन्होंने सोचा ऐसे एक स्मृति में रख कर के जाओ जब तक ये दुनिया रहे मेरे तो कोई याद करेंगे लेकिन मेरी पत्नी की भी याद करे हैं, पत्नी की भी याद करे उसकी वजह से। इसलिए उन्होंने जब ये गुंडीचा मंदिर जाएंगे इसलिए उन्होंने उसी मंदिर का नाम पत्नी का नाम रखा, पत्नी का नाम पर दिए इसका नाम गुंडीचा मंदिर, क्यों उनका पत्नी का नाम से गुंडीचा थी इसलिए वो मंदिर का नाम गुंडीचा मंदिर है। इसलिए अभी हम जो लोग जाएंगे नरसिंह भगवान के मंदिर में जाएंगे, उसके बाद में फिर गुंडीचा मंदिर दर्शन करके फिर हम वहाँ से वापस चले जाएंगे। ठीक है, बोले श्री इंद्रदुम्न महाराज, बोले श्री गुंडीचा देवी, नरसिंह देव की जय। गौर भगवान हम वहाँ बैठ करके ना।